कविता कविता ही होती है। मैं अगर मंच इजाजत दे और आप लोग अगर इजाजत दे तो पहले मैं 7-8 पंक्तियां ये पढ़ना चाहता हूं कि कविता क्या होती अरे है। अरे वाह वाह, उसके बाद में हाथ से पुकारना चाहता हूं, एक बार थोड़ी सी ताली बजा करके मुझे आदेशित कर दें। और जो युवा पीछे खड़े हुए हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के, मैं उनके मन की भी बात करना चाहूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं आपको खोलना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन का रूप देना चाहता हूं। सुनिए साहब, कविता क्या होती है? वाह 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 भाई साहब, कि जी हां हुजूर, जी हां हुजूर, कविता मेरा व्यवसाय नहीं, व्यवसायों का अध्ययन है। जी हां हुजूर, कविता मेरा व्यवसाय नहीं, व्यवसायों का अध्ययन है, सीधे शब्दों में राष्ट्र व समाज की चेतना का सृजन है। मैं कविताएं लिख गांव गांव सर सर बस्ती बस्ती बोला करता हूं, और इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूं, इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला, वाह गोविंद जी वाह वाह, इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूं। कविता मैं शब्दों का जाल नहीं है, मैं जानता हूं राउत भाटा के श्रोता कितने सुधी श्रोता हैं, कितने अच्छे श्रोता हैं, कविताओं की कितनी समझ रखते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तब बात कहता हूं कि कविता मैं शब्दों का जाल नहीं है, कविता किसी हसीना के गले में बंधा रेशमी रुमाल नहीं है, ना तो कविता महलों और हवेलियों की तरह सजाई जाती है, लेकिन ये कविता ही है साहब जो अजान व आरती की तरह गाई जाती है। अरे वाह 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 वाह, ये कविता ही है जो अजान व आरती की तरह गाई जाती है। कविता पराजय की पीड़ा का मल्लम भी नहीं होती है जनाब, क्या बात, कविता पराजय की पीड़ा का मल्लम भी नहीं होती है जनाब, हाँ लेकिन जब भी कोई झोपड़ी कराती है आप रोए या न रोए कविता जरूर रोती है जनाब। पंक्तियां दे रहा हूं, कविता क्या होती है, जब भी कोई झोपड़ी कराती है आप रोए या न रोए कविता जरूर रोती है जनाब, और मैं इन झोपड़ियों का दर्द लिए जग में डोला करता हूं, और इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूं, इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूं। एक ऐसा गीत साहब, सीमा पर सैनिक है, मैं युवाओं के मन की बात कर रहा हूं, मैं उन देशवासियों की बात करता हूं जो केवल अपने देश के लिए जीते हैं। अब मेरी बात सुनना आप, और यहां जितने भी मौजूद हैं वो सारे के सारे वही हैं, सैनिक किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं शहीद होता है साहब, सैनिक किसी पार्टी के लिए शहीद नहीं होता है, सैनिक किसी के लिए शहीद नहीं होता है, सैनिक केवल, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब भी सैनिक शहीद होता है केवल एक, वो इसीलिए तिरंगे में लिपट करके आता है क्योंकि वो केवल तिरंगे के लिए जीता है। वाह, सैनिक जब शहीद होता है तो तिरंगे में लिपट करके इसीलिए आता है क्योंकि वो तिरंगे के लिए जीता है और तिरंगे के लिए मरता है। वो सैनिक सीमा पर कैसे होता है, तिरंगे से क्या कहता है, मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की साहब, गायन मेरा अच्छा नहीं है किंतु मेरी भावनाएं हैं, मेरी भावनाओं की कोशिश करें समझने की। उसके पहले 4 पंक्तियां सेना के नाम देना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब। कि सो सो करा सलाम अपनी सेना ने, सो सो करा सलाम अपनी सेना ने, घणो बढ़ायो मान हिंद की सेना ने, वाह 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 भाई साहब, वंदे मातरम जय हिंद का जयकारा ला गया, और घर मठो क्यों पाक अपनी सेना ने, वाह वाह घर मठो क्यों पाक अपनी सेना ने। मुझे लगता है देशभक्ति का रंग कुछ फीका पड़ गया है, मैं उन शहीदों के लिए, उन सैनिकों के लिए गीत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको गीत सुनना है तो एक बार तालियां बजाइए जोरदार, और उतना ही समर्थन चाहिए जितनी आप लोग तालियां देंगे। कि दुनिया में कई कम न होने दिया, दुनिया में कभी कम न होने दिया हमने तेरा मान रे,
तेरी खातिर देख तिरंगे होम दी हमने जान रे, युग युग जीना रे तिरंगे मेरे अमर रहना रे, युग युग जीना रे तिरंगे मेरे अमर रहना रे। क्या कह रहा है सैनिक तिरंगे से कि तेरी खातिर देख तिरंगे, तेरी खातिर देख तिरंगे छोड़ दिए घर बार रे, नाने से टाबरिए छोड़े बूढ़े माई बाप रे, नाने से टाबरिए छोड़े बूढ़े माई बाप रे, दर पे रोती सजनी, दर पे रोती सजनी छोड़ी और सोला श्रृंगार रे, राखी के धागे भी भूले तजे तीज त्योहार रे, राखी के धागे भी भूले तजे तीज त्योहार रे, और गांव गली के गीत बुला यार साथियों के गीत बुला गए तेरे ही गुणगान रे, तेरी खातिर देख तिरंगे हुम दी हमने जान रे, युग युग जीना रे तिरंगे मेरे अमर रहना रे, युग युग जीना रे। आप सब सैनिक का गीत ऐसे सुनते हैं, ऐसा तो राउत भाटा का वातावरण नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं एक सैनिक का, एक शहीद का गीत नहीं सुना रहा, मैं शायद रेखा राव की ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कोई गीत गा रहा हूँ। मैं मेरे गीत का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें आप लोग, मैं गीत आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सैनिक का सम्मान इस नहीं, आप लोग अगर, क्योंकि सैनिक का गीत है साहब, अगर सैनिक नहीं होता आप और हम यहाँ इस तरह से कवि सम्मेलन नहीं सुन रहे होते। स्वागत है भाई साहब। सैनिक क्या कहना चाहता है साहब, अपने माँ पिताजी से क्या कहता है वो, कि वो शहीद होने से बच जाता, वो मरने से बच जाता। दो पंक्तियों के अंदर वो कहता है कि मैं कैसे बच जाता, लेकिन अंतिम दो पंक्तियों में वो कहता है कि मैं क्यों नहीं बचा। कारण बताता है, सुधी श्रोताओं के बीच में पंक्तियां रखना चाहता हूं, कि छिप छिपा जाता पापा में या थोड़ा पीछे हो लेता, गोली से बच जाता पापा मैं भी जिंदा रह लेता, गोली से बच जाता पापा मैं भी जिंदा रह लेता। मगर क्यों नहीं बचता है, परकाया में रक्त आपका, परकाया में रक्त आपका किस कैसे पीछे हो लेता, निज माँ और भारत माँ को क्या मुंह दिखा कर जी लेता, निज माँ और भारत माँ को क्या मुंह दिखा कर जी लेता, और तिरंगे में लिपटा देके माँ, तिरंगे में लिपटा देके माले छाती दूध उफान रे, तेरी खातिर एक तिरंगे होम दी हमने जान रे, युग युग जीना रे तिरंगे मेरे अमर रहना रे। क्या बात है। और साहब एक सैनिक जब 32 किलो की बंदूक दोनों हाथों से उठा के फायर करता है, हम में से कहीं तो उसको सीधी भी नहीं पकड़ सकते हाथों के अंदर, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे वो मुकाबला करता है, कैसे सीमा पर वो लड़ता है, पंक्तियां देने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है भाई साहब। कि पहली गोली पैर लगी माँ, पहली गोली पैर लगी माँ, फिर भी आगे बढ़ता गया, बाई बाजू लटक गई माँ,
फिर भी फायर करता गया, बाई बाजू लटक गई माँ, फिर भी फायर करता गया। और रक्त सनी काया लतपत थी, रक्त सनी काया लतपत थी, पर पाहन बन में अड़ता गया। वंदे मातरम जय हिंद के दुश्मन पर फायर करता गया। और अंधियारे में बेरी मारे, इतिहास संदर्भों से एक स्वागत करता हूं कि अंधियारे में बेरी मारे बन पृथ्वीराज चौहान रे, तेरी खातिर देख तिरंगे हुम दी हमने जान रे, जुग जुग जी नारे तिरंगे मेरे अमर रहे नारे। और अंतिम बंद पहुंचा रहा हूं साहब, स्वागत है भाई साहब। इस प्रकार से सैनिक घायल होके जब नीचे गिर जाता है, ए बेटियों थोड़ी सी कृपा करें मेरे, घायल हो जाता है, बंदूक की गोली जिन्होंने देखी हो साहब, या कोई सैनिक हो कोई सिपाही हो, उनको पता है कि जब अगर सीने पे गोली लगती है तो पीछे बहुत बड़ा सुराख हो जाता है, जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है बारह या बारह। मेरे को और शब्द यहाँ पर नहीं मिला तो मैंने इसी का प्रयोग किया, आप तक पहुंचाता हूं कि छाती ऊपर गोली लगी, पीठ में हो गया बारह, और धरती माँ की गोद गिरा माँ तेरी आंख का तारा, धरती माँ की गोद गिरा माँ तेरी आंख का तारा, अरे चरण ढोक दूं दो आशीषा, चरण ढोक दूं दो आशीषा, अब जाऊं मैं उस धाम रे, वंदे मातरम जय हिंद कहते तज दिए उसने प्राण रे, युग युग जी नारे तिरंगे मेरे अमर रहना रे, तिरंगे मेरे अमर रहना रे, जय हिंद जय भारत।